हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं एक और नई अनबॉक्सिंग, वो है मीवी के फॉर एस 24 वॉट का मिनी साउंड बार। पहले से अनरैप कर लेता हूं फटाफट, फिर बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, इसे करते हैं अनबॉक्स। तो लीजिए, प्रोडक्ट हो चुका है अनरैप। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, बॉक्स पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है मीवी फॉर S24 वॉट्स का मिनी साउंड बार। यहाँ साउंड बार की पिक्चर दी हुई है, नीचे लिखा है प्राउडली मेड इन इंडिया। ऊपर साइड में दिया क्राफ्टमैन्स नोट्स, कैसे ये जो भी उनका प्रोसेस है वो दिया हुआ है। यहाँ पे वारंटी कैसे रजिस्टर करनी है वो दिया हुआ है। इसे स्कैन करके वारंटी का करते हो रजिस्टर, इस तरफ आओगे, यहाँ दिया है मीवी S24 वॉट का मिनी साउंड बार है। पिक्चर दे रखी है यहाँ पे, बाकी डिटेल दी हुई है जो अंदर है वो मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा कि 24 वॉट्स का आउटपुट है। ब्लूटूथ है इसके अंदर, सॉलिड बेस पावरफुल ड्राइवर्स है, टाइप सी चार्जिंग है और भी बहुत कुछ दिया है, जैसे कि ब्लूटूथ, माइक्रो एसडी, ऑक्स और यूएसबी कंपेटेबिलिटी। तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको अनबॉक्स। ऊपर की तरफ देखोगे यहाँ लिखा है पुश द लिमिट। ओके, देखते कितनी लिमिट पुश करता है ये वाला प्रोडक्ट। पिछला जो प्रोडक्ट था उसमें इतनी लिमिट तो पुश हुई नहीं, अब देखते हैं ये वाला प्रोडक्ट कितनी लिमिट पुश करता है। तो चलो फटाफट करते हैं इसे हम अनबॉक्स। तो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग, करते इसे फटाफट हम अनबॉक्स। अरे यहाँ पे इन्होंने इस वक्त थोड़ी सी कंजूसी कर ली है, यहाँ एक नॉर्मल फुट्टा सा दे दिया इन्होंने, तो यहाँ बस इन्होंने थोड़ी कर ली कंजूसी। इस वक्त नॉर्मल पेपर दे दिया इन्होंने, इसको रखो फेंको, साइड में रखना क्या है, फेंकना ही पड़ेगा, कुछ है नहीं इसके अंदर। बॉक्स भी थोड़ा टूटा हुआ है। चलो कोई नहीं, पहले देख लेते हैं अंदर क्या है। यहाँ वैसे ही हमें मिलता है एक वारंटी कार्ड और एक वेलकम टू द क्रू और अपना फेवरेट ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के ऊपर मीवी लिखा हुआ। इसको देखता हूँ क्या है और क्या है बॉक्स के अंदर। एक है ऑक्स केबल, ए टाइप टू सी टाइप, ये चार्जिंग केबल है। ये है इसका मैनुअल, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं आप इसको पढ़ सकते हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और बॉक्स को भी रखो साइड में। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या डिज़ाइन है, क्या है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। आप देखोगे इसमें जो प्लास्टिक का यूज़ किया उन्होंने इस टाइम अच्छा किया है। सामने फैब्रिक यूज़ किया हुआ है मीवी का, यहाँ लोगो दिया हुआ है। नीचे साइड में स्टैंड की जगह इन्होंने रबर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ रखता हूँ अगर पुश करना है तो इतनी जल्दी हिलेगा नहीं। और बैक साइड में आएंगे, बैक साइड में आप देखोगे यहाँ ऑन एंड ऑफ बटन दिया हुआ है, ऑक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यूएसबी दिया हुआ है, माइक्रो एसडी कार्ड लग जाएगा। ये जो सी टाइप पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ से ये जो साउंड बार है वो होगा चार्ज। ऊपर की तरफ आते हो यहाँ दिया हुआ है प्ले और पॉज बटन, प्लस माइनस दिया है वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, और मोड दिया हुआ है इसमें FM भी है और भी दूसरे मोड चेंज कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो प्रोडक्ट की अनरैपिंग, अनबॉक्सिंग और ये डिटेल जो भी यहाँ दिया हुआ है इसके ऊपर, जो भी स्पेसिफिकेशन वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ इस प्रोडक्ट के एक्चुअल स्पेसिफिकेशन की, जो है ऑडियो स्पेसिफिकेशन। ऑडियो स्पेसिफिकेशन की जो मैं बात करता हूँ आपको बता देता हूँ, इसके अंदर दो स्पीकर दिए हुए हैं, एक इस तरफ दिया हुआ है और एक इस तरफ दिया हुआ है। ये है 52 mm के दो ड्राइवर है, जो कि एक इस तरफ है और इस तरफ है। इसमें कोई भी वूफर या सबवूफर दिया नहीं हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 Hz से लेकर 20 kHz तक की है। इसमें ऑडियो कोड यूज किया हुआ है AAC SBC और ये जो है 24 वॉट्स का साउंड बार है। बात करते हैं इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए यहाँ यूज किया गया है ब्लूटूथ 5.1 और लगभग इसका जो वेट है आप देखोगे लगभग 1100-1200 ग्राम का इसमें कुछ वेट होगा। तो अब हम बात करते हैं साउंड बार के बारे में। मीवी ने इसको नाम दिया हुआ है साउंड बार S24 जो कि 24 वॉट्स का है। मीवी बोल रहा है कि ये बहुत पावरफुल और रिच बेस है, वो तो चालू करने के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा इसका बेस कैसा है। एक बार चार्ज करने के बाद ये चलता है लगभग 6 घंटे तक, जिसमें कि ये ब्लूटूथ सपोर्ट कर रहा है 5.1 मल्टीमीडिया के साथ में, माइक्रो एसडी कार्ड इसमें लगा सकते हो। ये जो फैब्रिक है ये बोल रहा है कि बहुत प्रीमियम फैब्रिक है, वैसे हाथ लगाने से लग रहा है प्रीमियम है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कितनी प्रीमियम है, अच्छी खासी चल रही है या कहीं बीच में कुछ खराब या खराब हो जाए या फटवट ना जाए, वो देखना पड़ेगा। बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। मीवी बोलता है इसकी जो साउंड क्वालिटी वो सिनेमैटिक साउंड क्वालिटी है। मीवी कहता है कि इसमें दो पैसिव रेडिएटर्स है, जिससे कि जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी इम्प्रूव होके आती है। और ये मेड इन इंडिया है और हैंड फ्री असिस्टेंस के साथ आता है। हैंड फ्री असिस्टेंस में इसमें आप यूज़ कर सकते हो गूगल असिस्टेंस या फिर सीरी, वो भी हम लोग ट्राई करके देखेंगे कैसा वर्क करता है। तो जल्दी चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इस तरह आप देखोगे यहाँ बटन दिया हुआ है, यहाँ दिया है ऑन एंड ऑफ, इसको दबा के रखता हूँ। पावर ऑन हो गया है और ब्लूटूथ मोड में आ चुका है और इसे अभी कनेक्ट करेंगे हम अपना मोबाइल। तो यहाँ देखिए यहाँ आ चुका है मीवी फॉर S24।
इसको करो कनेक्ट। ओके 90% बैटरी रिमेनिंग शो कर रहा है इसके अंदर। तो अभी ऑन हो चुका है, पैड हो चुका है। अभी हम इसे कनेक्ट करके चेक करते हैं प्रॉपरली इसकी साउंड क्वालिटी के, उसके बाद हम FM पे भी जाके देंगे इसका FM वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर रेंज नहीं है तो कैसे वर्क करेगा करके। यहाँ ले लेते हैं बेस बूस्टर। ऐसे लो वॉल्यूम में रखता हूँ क्योंकि मैं थोड़ी वॉल्यूम हाई कर रहा हूँ तो ये स्पीकर कंप्लीटली हिल रहा है। वॉल्यूम मुझे ठीक लग रही है फिलहाल, इसके अंदर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। 60-70% वॉल्यूम में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी उसके ऊपर जाएंगे तो शायद थोड़ा मेरे को लग रहा है थोड़ा रफनेस आएगा। बेस अच्छा है, आप देखो मैंने वॉल्यूम फुल कर रहा हूँ, फुल करने में बेस इसका थोड़ा फट रहा है, फुल नहीं करके 60-70% पे इसका बेस अच्छा है। ओके मैंने चेक किया इसका बेस, आप 60-70% वॉल्यूम पे रखोगे तो बेस आपको क्लियर सुनाई देगा। ये थोड़ा तीन अलग अलग फॉर्मेट में है, जैसे कि हाई, मीडियम एंड लो। हाई में देखा जाए जो अपनी वॉल्यूम, जो भी आप सॉन्ग सुनते हो उसका जो पिच होता है वो उसको फर्स्ट में कहते हैं कि यह थोड़ा हाई पे वर्क कर रहा है, उसका जो वॉल्यूम क्लियर आ रहा है नहीं। सेकंड आता है मीडियम लेवल, थर्ड आता है बेस। आप देखोगे कि जब मैं इसको वॉल्यूम 60-70 के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो सामने से जो वॉल्यूम आ रही है जैसे कि कोई गाना गा वो क्लियर आ रहा है, लेकिन जो मीडियम बेस है वहाँ पे थोड़ा खरखर आवाज आके थोड़ा डिस्टर्बेंस है। बेस ओके है, बेस मैं बोलता हूँ नॉट फॉर द 100 आउट ऑफ 100, मैं इसको बोल सकता हूँ कि लगभग 60-70% के लिए ओके है। अब देखते हैं नेक्स्ट मोड इसका क्या है। नेक्स्ट मोड देखोगे आप, इसमें एक FM आएगा, यहाँ पे USB और SD कार्ड लगा सकते हैं, वो तो आपको बता दिया है। इसका FM देख लेते हैं कि FM कैसे वर्क करता है, इसका मोड चेंज करके देखते हैं। मोड को एक बार प्रेस किया, FM रेडियो पे आ गया है। इसको स्कैनिंग करना है तो इसको मुझे दबा के रखना पड़ेगा यहाँ पे जो प्लेयर था। अब ये स्कैन कर रहा है, जब ये स्कैन करता है तो ये देखोगे यहाँ एक ब्लू कलर की लाइट है, आपको दिख रही होगी कि ब्लिंक हो रही है या नहीं हो रही है। मैं एक बार लाइट ऑन करता हूँ, शायद आपको शो दिख जाए। ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब स्कैन कर रहा है इसको। लेकिन यहाँ मेरे को डाउट है कि मेरे घर पे FM चलेगा नहीं चलेगा करके, क्योंकि नॉर्मली तो वर्क नहीं करता है। अगर ये पक यहाँ शायद FM वर्क कर नहीं रहा है, लेकिन साउंड क्वालिटी आपने देख ली कैसी है करके। मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे सजेस्ट करूँ, अगर आपको ज़्यादा फुल वॉल्यूम में नहीं सुनना है या ऑफिस में रखना है या फिर नॉर्मली FM सुनना है तो ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस फ़िलहाल अभी इसका लगभग 2000 के आसपास कर दिया है। TV के साथ कनेक्ट करोगे, अगर आप ये सोचोगे कि आपकी TV से बेटर साउंड करेगा तो सॉरी, ये TV के साथ कनेक्ट नहीं करके कोई मतलब नहीं है। आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लो या इसमें अपना SD कार्ड लगा लिया। हाँ ये है कि आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो उसको अपने साथ इजीली कैरी कर सकते हो। आप जो आउटिंग के लिए जाओगे वहाँ इसको आराम से यूज़ करोगे, क्योंकि इनबिल्ट बैटरी दी हुई है जिसका 6 घंटे का बैकअप टाइम है, इजीली आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो वर्थ लग रहा है मुझे, आप परचेस कर सकते हो। लेकिन आप और भी दूसरे साउंड बार्स पे जाके देख सकते हो सेम प्राइस में। आई थिंक आपको 2000 में थोड़ा और बेटर ये मिल जाएगा। मीवी को इसमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा इसकी साउंड क्वालिटी के हिसाब से और प्राइसिंग के हिसाब से। तो चलो देखते हैं आगे कैसे मैं भी और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आता है। तो जल्द मिलता हूँ ऐसे वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय 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 बाय।